नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं एंटी नेशनल। हिसार के कर्मचारी संघ आशा वर्कर यूनियन व सीआईटीयू के कर्मचारियों ने फवारा चौक पर केंद्र सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंक डाला। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो देश में आंदोलन किया जाएगा। हिसार में कर्मचारी संघ आशा वर्कर यूनियन व सीआईटीयू के कर्मचारियों ने फवारा चौक पर केंद्र सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंक डाला। सीआईटीयू के सचिव सुरेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें उनके लिए कोई कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पक्के कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए और समान काम समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर कई दिनों से धरने पर बैठी है, उन्हें भी न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिया जाना चाहिए। यह हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 2 दिन पहले जो मोदी की सरकार ने जो बजट पेश किया है स्कीम वर्करों का, उसमें नाम तक भी नहीं लिया। बजट के नाम तो दूसरे, बजट तो दूसरा काम है, इनका नाम तक नहीं लिया कि ये स्कीम वर्करें जो है जो पूरे देश को भविष्य का पालने पोषने का और संवारने का काम करती हैं, बजट में इनका नाम तक नहीं लिया। जिसके विरोध में आज पुतला दहन की कार्रवाई, मोदी की शव यात्रा निकालेंगे और उसका पुतला फूकेंगे पूरे देश के अंदर है। इसमें आशा वर्कर भी शामिल है, आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल है और मिड डे मील वर्कर भी शामिल है। अभी सवाल हमारे से पूछ रहे थे कि आशा वर्करों की जीत हो चुकी है तो अब क्यों? आशा वर्करों की स्टेट गवर्नमेंट की है थी ये लड़ाई, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ बढ़ना वो तो रह रहा अभी बाकी। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लड़ाई हम लड़ेंगे, देश के स्तर की मीटिंग हमारी स्कीम वर्करों की होने वाली है 5-7 दिन के अंदर। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हिसार से एएनटी नेशनल के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।